महाराष्ट्र में हिंसक हुआ मराठा आंदोलन। मराठा क्रांति मोर्चा का आज महाराष्ट्र बंद। परभणी में बसों में तोड़फोड़ और आगजनी। औरंगाबाद में युवक की मौत से भड़का गुस्सा। कोल्हापुर, उस्मानाबाद, बीड़ और धुले में भी तनाव। मराठा आंदोलन से कैसे निपटेगी फडणवीस सरकार? मराठा आंदोलन की आग, हर अपडेट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन ने हिंसक रूप लिया है। कल औरंगाबाद के गंगापुर तहसील में एक युवक ने गोदावरी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद मराठा आंदोलन की आग और भड़क गई। महाराष्ट्र के परभणी में कई सरकारी और गैर सरकारी बसों में तोड़फोड़ की गई। परभणी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आज मराठा क्रांति मोर्चा ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान कर रखा है, लेकिन कल से ही परभणी, बीड़, ठाणे, औरंगाबाद समेत कई जिलों में मराठा आंदोलन की आग भड़क उठी है। आरक्षण की मांग को लेकर लंबे समय से मराठा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। पिछले साल भी मराठा आंदोलन हुआ था, लेकिन आपको बता दें कि अभी पिछले 5-6 दिनों से चल रहा आंदोलन कल अचानक से उग्र हो गया। महाराष्ट्र में मराठा समाज 16% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। कोपर्डी में मराठा समाज की युवती से गैंगरेप के बाद मराठा आंदोलन ने जोर पकड़ना शुरू किया था। साल 2016 में कोपर्डी में नाबालिग से गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद मराठा आंदोलन ने फांसी की सजा की मांग के साथ ही नया रुख अख्तियार कर लिया था। और ये तस्वीरें मराठा आंदोलन की आग किस तरह से भड़की है पूरे महाराष्ट्र में, उसको बताती हुई तस्वीरें। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर कहां कहां भड़की है मराठा आंदोलन की आग, वो जरा आपको मैप के जरिए आपको दिखा देते हैं। औरंगाबाद, नासिक, परभणी, ठाणे, बीड, लातूर, ये वो इलाके हैं जहां पर मराठा आंदोलन की आग भड़की हुई है। और आज प्रदर्शन दरअसल कहां होंगे? कोल्हापुर में होगा, उस्मानाबाद में प्रदर्शन होंगे, जालना, धुले में प्रदर्शन आज होने वाले हैं। तो ये वो चार जगह भी इसमें शामिल हैं जहां आज मराठा आंदोलन को लेकर प्रदर्शन होने वाला है। महाराष्ट्र में शुरू हुआ मराठा मूक आंदोलन अब तब्दील हो गया है मराठा ठोक आंदोलन में। 4 दिनों से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में उग्र तरीके से यह आंदोलन चल रहा है, जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। इस आंदोलन में अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कल जल समाधि आंदोलन के तहत एक शख्स की जान भी चली गई। इस आंदोलन से जुड़े नेता इस बात पर अड़ गए हैं कि जब तक दोषियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा वो शव नहीं लेंगे। औरंगाबाद के गंगापुर तहसील में गोदावरी नदी के पुल पर आंदोलनकारियों की भीड़ और गोदावरी नदी में एक शख्स के छलांग लगाने की घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं। छलांग लगाने वाले युवक की जान चली गई। ये मराठा आंदोलन के उस जल समाधि आंदोलन का हिस्सा है, जिसकी वजह से नौजवान की जान चली गई। दरअसल महाराष्ट्र में जो मराठा आंदोलन मूक तरीके से किया जा रहा था, अब वो उग्र होता जा रहा है। राज्य सरकार ने 72,000 सीटों पे नौकर भर्ती निकाली है, जिसमें हमारी मांग ये है कि मराठा समाज को आज तक आपने आरक्षण दिया नहीं है। अगर आपने ये सीटों को भरना आप चाहते हो तो मराठा समाज के लिए आप 16% सीटें अभी से भरवा दो, या फिर इन 72,000 सीटों पे आप वहाँ पर रोक लगा दिए जाए। ये हमारी अभी जो हमारे ठोक मोर्चे, ये दूसरा पर्व हमारा जो शुरू हुआ है, यहाँ पर हमारी ये मुख्य मांग है। इसी के तहत जब औरंगाबाद अहमदाबाद हाईवे पर मौजूद कायगांव के पास मौजूद गोदावरी नदी के ब्रिज पर आंदोलनकारी बैठकर जल समाधि आंदोलन कर रहे थे, तभी कानड़ गांव के रहने वाले आंदोलनकारी काका साहेब शिंदे नाम के एक शख्स ने गोदावरी नदी में छलांग लगा दी। नदी में पानी के तेज बहाव के चलते वो अपने को संभाल नहीं सके और उनकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। मृतक के भाई अविनाश शिंदे का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है, इसलिए जब तक दोषियों के खिलाफ 302 का मामला दर्ज नहीं होगा वो अपने भाई का शव नहीं लेंगे। मराठा आरक्षण मांगनीसाठी सकल मराठा समाजातर्फे जल समाधि आंदोलन चालू होतं। याच दरम्यान माझा भाऊ काकासाहेब दत्तात्रय शिंदे यांनी या जल समाधि घेतली, त्या ठिकाणी
कोणतीच पोलीस प्रशासनाने अग्निशामक दल असेल किंवा वॉटरप्रूफ जॅकेट असेल किंवा खाली हडे असेल याचं कोणतंच नियोजन न केल्यामुळे या ठिकाणी माझ्या भावाचा बळी गेलेला आहे आणि या प्रकरणाचा मुख्यमंत्र्यावर 302 गुन्हा दाखल होईपर्यंत आम्ही मृतदेह ताब्यात घेणार नाही अशी आमची कुटुंबाची मागणी आहे. इस मामले पर अब अधिकारी जांच कराने की बात कह रहे हैं. आज गंगापूर तालुक्यातील कायगाव कायगावच्या गोदावरीच्या पुलावरती या ठिकाणी आज मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात ठिय्या आंदोलन आयोजित केलं होतं. त्या आंदोलनादरम्यान काकासाहेब शिंदे नावाच्या युवकाचा या ठिकाणी पाण्यात पडून त्याचा मृत्यू झालेला आहे आणि सद्यस्थितीत देखील याचं या कायगाव पुलावरती आंदोलन ठिय्या आंदोलन मोर्चेकारांचं सुरू आहे. सिर्फ औरंगाबाद में ही मूक आंदोलन हिंसक नहीं हुआ है, मराठा आंदोलन के खौफनाक तस्वीरें महाराष्ट्र के और भी शहरों से आनी शुरू हो गई हैं. टूटी और जली हुई सरकारी बसों की ये तस्वीरें हैं परभणी इलाके की, जहां आंदोलनकारियों ने बस को आग लगा दी, साथ ही तोड़फोड़ भी की. इस दौरान एक टीवी चैनल के कैमरामैन से मारपीट भी की गई, जिसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. नासिक में भजन कीर्तन करके मराठा आंदोलन की शुरुआत की गई, वहीं बीड में धरना प्रदर्शन के जरिए मराठा आंदोलन की तस्वीरें देखने को मिली. मुंबई से राजेश त्रिपाठी की रिपोर्ट. तो पिछले साल यानी कि 2017 में भी आंदोलन हुआ था मराठाओं का, लेकिन वो आंदोलन उग्र नहीं था, मूक आंदोलन था. लेकिन इस बार इस आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया है. कल दरअसल औरंगाबाद में प्रदर्शन के दौरान काका साहेब शिंदे नाम के एक युवक ने गोदावरी नदी में कूद कर जान दी थी, जिसके बाद मराठा आंदोलन और भी ज्यादा भड़क गया. साहेब शिंदे नाम के युवक की मौत के बाद औरंगाबाद अहमदनगर हाईवे को जाम कर दिया गया और किस तरह से लोग सड़कों पर बैठ कर अपनी मांगों को बोलते हुए नजर आए. औरंगाबाद में युवक की मौत के बाद अब वहां मराठा समाज के लोग आंदोलन तेज करने की बात कह रहे हैं, साथ ही साहेब शिंदे को शहीद का दर्जा देने की मांग भी की जा रही है. हमारी मांग यह है कि काका साहब शिंदे को शहीद घोषित किया जाए. दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तुरंत राजीनामा दे. तीसरी मांग हमारी यह है जल्द से जल्द आरक्षण का वो फैसला करे. चौथी डिमांड हमारी यह है कि जो मेगा भर्ती जिस सरकार ने डिक्लेयर की है वो खारिज कर दे. पांचवी डिमांड हमारी यह है कि हमारे इस शहीद भाई को, भाई के कुटुंब को, भाई के परिवार को 50 लाख मुआवजा मिले. और छठी मांग यह है कि उनके जो भाई है उनके भाई को सरकारी नौकरी में लिया जाए. तो ये वो कुछ मांगे जो मराठा समाज की तरफ से रखी जा रही है. मराठा आंदोलन एक बार फिर से उग्र हो गया है. मराठा आंदोलन से जुड़े आइए सबसे पहले आपको बड़ी बातें बता देते हैं. महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन काफी हिंसक हो गया है. तस्वीरें भी इस हिंसक आंदोलन की हमने आपको दिखाई. परभणी में कई बसों में तोड़फोड़ हुई है, आगजनी की गई है बसों के अंदर. औरंगाबाद में आंदोलनकारी की मौत के बाद गुस्सा दरअसल और ज्यादा भड़क गया है. औरंगाबाद अहमदनगर हाईवे को इस वजह से ठप किया गया. उधर गोदावरी नदी में कूदकर एक युवक ने जान दी. ठाणे में सीएम फडणवीस के खिलाफ नारेबाजी हुई है. नासिक, बीड समेत कई जिलों में प्रदर्शन हुआ है. मराठा क्रांति मोर्चा ने किया बंद का ऐलान. मराठा आरक्षण की मांग लंबे समय से हो रही है. आपको बता दें कि सीएम फडणवीस को कल पंढरपुर जाना था, वो नहीं जा पाए थे चूंकि मराठाओं ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर रखा था. मराठा आरक्षण की मांग लंबे समय से हो रही है. महाराष्ट्र के अहमदनगर के कोपाडी में 2016 में मराठा समाज की नाबालिग से गैंगरेप के बाद इस आंदोलन ने अब नया मोड़ लिया. लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और इस आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि इसका कोई चेहरा नहीं है. और आइए आपको बताते हैं कि मराठाओं की तरफ से क्या मांग की जा रही है. मराठा समाज आखिर आंदोलन क्यों कर रहा है, मराठा समाज की मुख्य मांगे क्या है, वो आपको बता देते हैं. मराठा समाज की मांगे क्या हैं? महाराष्ट्र में मराठा आबादी 33% यानी कि करीब 4 करोड़ की आबादी है. 16% आरक्षण की मांग कर रहा है मराठा समाज, वो भी पिछड़ा वर्ग के तहत. सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग की जा रही है. शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की मांग मराठा समुदाय की तरफ से की जा रही है. पिछले 2 सालों से आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन का नेतृत्व मराठा क्रांति मोर्चा कर रहा है. 2 साल में 60 से ज्यादा जगहों पर आंदोलन हो चुका है अब तक.
और साथ ही ये भी आपको बताएं कि मराठा आंदोलन में लाखों लोग शामिल हुए और मराठा समाज की मांगों पर क्या कहा जाता है, किस तरह से सरकार इस आंदोलन का सामना करेगी, क्या जवाब देगी, ये देखना होगा। महाराष्ट्र में हिंसक हुआ मराठा आंदोलन, मराठा क्रांति मोर्चा का आज महाराष्ट्र बंद। परभणी में बसों में तोड़फोड़ और आगजनी, औरंगाबाद में युवक की मौत से भड़का गुस्सा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, बीड़ और धुले में भी तनाव। मराठा आंदोलन से कैसे निपटेगी फडणवीस सरकार? मराठा आंदोलन की आग, हर अपडेट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।